हरिद्वार के राजकीय मेला अस्पताल में भी माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला को स्थापित किया गया, जहां अब डेंगू, स्ट्रब टाइफस, टाइफाइड के मरीजों को कल्चर जांच के लिए न तो दिल्ली जाना पड़ेगा और न ही रिपोर्ट के दिल्ली आने का इंतजार करना होगा। इस लैब में जांच के बाद रिपोर्ट के आधार पर इलाज संभव है। हमारे पास पहले से ही डेंगू का, हर साल हम लोग डेंगू के सैंपल प्रोसेस करते ही थे। जुलाई के महीने गर्मी का सीज़न जैसे ही ख़त्म होता है, जैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, तो हम डेंगू के केसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेंगू का पहले ही हम एलाइजा लगाते थे, लेकिन अब हमारे पास कल्चर्स की सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, और कल्चर्स, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, पस कल्चर और स्टूल कल्चर, ये सब सुविधाएँ हमारे पास अब सुचारू रूप से आ चुकी हैं और ये सब हमारे पास मुफ्त होंगी। जैसे अभी तक हमारे प्राइवेट लैब और बाकी यहाँ पे सुविधाएं सरकारी में कहीं पे अवेलेबल नहीं थी, हमारी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ जो लेबोरेटरी है, अब यहाँ पे ये सब जांचें बिल्कुल निःशुल्क होने वाली हैं। तो SC ST PSC कहीं से भी सैंपल्स आएंगे और वो हमारे पास प्रोसेस किए जाएंगे। अब जैसे पहले कल्चर्स हमारे पास अवेलेबल होने की वजह से सुविधाएँ तो अब आम नागरिकों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस चीज़ से, क्योंकि उनको इधर उधर जो भटकना पड़ता था कि काफ़ी प्रॉब्लम से कि मशक्कत करनी पड़ती थी, कहीं और जाना पड़ गया सरकारी में, और बाकी कहीं पे भी आप जांच कराते थे तो कल्चर्स की लैब बहुत, कल्चर्स की रिपोर्ट्स आने में टाइम भी लगता था, और साथ साथ ये भी था कि उनको बहुत महंगी भी पड़ती थी, सब कल्चर्स करा भी नहीं पाते थे, तो काफ़ी मरीजों को दिक्कत होती थी। अब ये सुविधाएँ निःशुल्क होंगी तो उनको बहुत आराम होने वाला है, और कल्चर्स का मिनिमम 4-5 दिन तो लगता ही लगता है, तो वो तो टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम उनको, मरीजों को निःशुल्क सुविधाएँ मिलने की वजह से उनको बहुत आराम होने वाला है।